आज हम चने की दाल करेले बनाने जा रहे हैं। ये बहुत ही सिंपल और बहुत ही लजीज डिश है। आप ज़रूर इसको ट्राई करिएगा और कमेंट्स बॉक्स में अपने राय का ज़रूर इजहार कीजिएगा। चने की दाल करेले बनाने के लिए मैंने करेले लिए थे, मैंने इन करेलों को अच्छी तरीके से साफ करके इनके बीज निकाल दिए हैं। सारे देख सकते हैं आप, साफ करके इनके सारे बीज निकाल दिए हैं। और मैंने इस करेलों में 1 टीस्पून नमक डालकर इसको 1 घंटे के लिए मैंने रख दिया है। 1 टीस्पून मैंने नमक डाला है इसमें और इसको रख दिया है। 1 घंटे के बाद मैं इन करेलों को अच्छी तरीके से पानी से वॉश करूंगी और फिर इसको हम पकाएंगे। ये प्रोसेस इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जो करेले में कड़वाहट होती है वो ख़त्म हो जाएगी नमक डाल के रखने से, इसलिए ये प्रोसेस आप ज़रूर करिएगा। फिर हमने ये चने की दाल, ये 1/2 कप चने की दाल थी, इसको मैंने 1 घंटे के लिए पानी में भिगो के रख दिया है, सोक करके रखा है 1 घंटे के लिए। और 1 घंटे के बाद मैं इसको जो सोखी हुई दाल थी चने की, 1 घंटे के बाद मैंने इसमें 1/2 टीस्पून हल्दी, 1/2 टीस्पून पीसी लाल मिर्च, 1/2 टीस्पून नमक, ये सब डाल के मैं इसको चने की दाल को मैं कुक करूंगी यहाँ तक कि चने की दाल गल जाए। लेकिन इतना कुक करना है चने की दाल को कि ये बिखरे ना, बिल्कुल साबित साबित रहे और गल जाए। चले मैं इसको कुक कर रही हूँ, फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। चलें स्टार्ट करते हैं। मैंने जो करेले थे जो नमक डाल के रखे थे वो मैंने अच्छी तरीके से पानी से वॉश कर लिए हैं, तो मैंने एक साइड पे रखा है। एक पैन में मैं ऑयल डालूंगी, तकरीबन 1/2 कप के करीब आपको ऑयल डालना है, अच्छा खासा ऑयल डालना है। दूसरी तरफ मैं सौंफ 1 टीस्पून है वो भून के रख रही हूँ, जो मैं बाद में डालूंगी इसमें। जैसे ऑयल गर्म होगा इसमें मैंने 2 अदद प्याज लिए हैं, इसको मैंने राउंड शेप में इसको इस तरीके से कट कर लिया है, 2 अदद लिए दरमियाने साइज के, वो मैं इसमें डाल रही हूँ। सॉस हो गई है, इसको मैं साइड पे रखती हूँ। इस प्याज को थोड़ा सा सौते करेंगे, बिल्कुल लाइट सा लाइट ब्राउन करेंगे, लाइट सा करेंगे, ज्यादा इसको नहीं करेंगे। देखें बिल्कुल इस स्टेज पे आपको ज्यादा करना नहीं है, इस स्टेज पे आप आके इसमें जो आपने करेले हैं राउंड शेप में जो काटे हैं आपने वो डालेंगे। और इसको फुल फ्लेम में, हाई फ्लेम मैंने रखा हुआ है, और इसको इसमें प्याज के साथ इसको फ्राई करना है। के बाद मैं इसमें
1 टेबल स्पून चॉप बारीक बिल्कुल फाइन चॉप अदरक लहसुन डाल रही हूँ, मिक्स करूंगी और इसको बिल्कुल हाई फ्लेम में आपको फ्राई करना है तमाम चीजों को। देखिए इसको मैंने 5 मिनट फुल फ्लेम में अच्छी तरीके से फ्राई किया, आप देख सकते हैं फ्राई हो गया है, क्रिस्पी सा हो गया और जो प्याज है वो भी अच्छी तरीके से इसी के साथ फ्राई हो गई है। इस स्टेज पर मैं इसमें 2 अदद चॉप टमाटर ऐड कर रही हूँ, 2 अदद चॉप टमाटर, 2 टेबल स्पून मैं इसमें दही ऐड कर रही हूँ, 2 टेबल स्पून दही, इन सबको मिक्स करूंगी। फ्लेम मैंने अब मीडियम कर दिया है, मीडियम फ्लेम में इनको मिक्स करूंगी सारी चीजों को। अच्छी तरह मिक्स करने के बाद इसमें 1 टीस्पून भुनी हुई सौंफ डाल रही हूँ, 1 टीस्पून भुनी हुई सौंफ, 1/2 टीस्पून कलौंजी, 1/2 टीस्पून पिसी लाल मिर्च, 1 टीस्पून कुटी लाल मिर्च, 1 टीस्पून पिसा हुआ धनिया पाउडर, हसबे जायका आप नमक डालेंगे, मैं 1/2 टीस्पून ऐड कर रही हूँ और थोड़ी सी इमली है वो मैं ऐड कर रही हूँ। इन तमाम चीजों को आप मिक्स करेंगे। इमली हमने दाल को ऐड किया है इसमें, बिल्कुल साबी साबी सी ये देख सकते हैं आप। इस दाल को और जो है इसको इसके में मिक्स करेंगे। तमाम चीजों को मिक्स करने के बाद इसको हम 5 मिनट के लिए स्लो फ्लेम में दम पे रखेंगे और फिर उसके बाद 5 मिनट के बाद इसको फिर सर्व करेंगे।